क्या स्वादिष्ट फ्राइज है। वाह, ओ यह टुकड़ा भी मुंह में जाना चाहिए, मुझे यह बहुत पसंद है। अरे नहीं, यह खत्म हो गया है, क्या कुछ और बचा है? उफ़, यह खाली है, और यहाँ भी, और यहाँ, मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ खा लिया है। बिल्कुल, मैं अभी और ऑर्डर करूँगा। तो चलो कुछ देखते हैं। क्या मेरे खाते में पैसे नहीं है? मैं कुछ भी ऑर्डर नहीं कर सकता। हो सकता है कम से कम मेरे पास कुछ पैसे पड़े हो। नहीं, केवल एक फ्राई। ठीक है, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। ओ शायद यहाँ खाली। उफ, जीवन इतना बेकार क्यों है? उफ, एक सेकेंड, ऐसा लगता है कि मेरे पास एक आइडिया है। मैं मैकडॉनल्ड्स का लोगो काट लूंगा और इसे अपनी टोपी पर चिपका दूंगा। हाँ बढ़िया। हाँ, यह जगह ठीक है। मुझे केवल कुछ पोस्टर, एक बड़ा एम और निश्चित रूप से नाम लगाने की जरूरत है। ओ, मैं एप्रन को भूल ही गया। अब मेरा मैकडॉनल्ड्स खुलने के लिए तैयार है। ओ हाँ, मेनू और निश्चित रूप से टिप्स के लिए एक जार। हाँ ठीक है, और मेरे ग्राहक कहाँ है? वाह, यह नया मैकडॉनल्ड्स क्या है? कैशियर कहाँ है? क्या तुम पागल हो? तुमने मुझे डराया क्यों? यह बहुत अजीब था। अब मैं चुनूंगा। हाँ, यह बर्गर मुझे दे दो। हाँ, आराम से। अरे तुम क्या कर रहे हो, मुझे खींचा क्यों? यह लो, इस सॉस को मेरे बर्गर में जरूर डालना। हॉट सॉस, कोई बात नहीं। तो ऐसा लगता है कि ये सभी इंग्रेडिएंट्स हैं। अब मैं आखिरकार खाना बनाऊंगा। मुझे कहाँ से शुरू करने की जरूरत है? निश्चित रूप से कटलेट से। और यहाँ हमारे पास कीमा है, कितना ताजा और स्लाइमी। इससे बदबू आ रही है। बेहतर होगा कि मैं दस्ताने पहनकर काम करूँ। हाँ इस तरह से हो गया, बढ़िया। अब मैं कुछ कीमा लूंगा और उसमें से कटलेट बनाऊंगा। यह बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और अब उसे फ्राइंग पैन में डालते हैं। तो थोड़ी काली मिर्च, और अब इसे पलटने का समय आ गया है। अरे नहीं, वह हिल नहीं रहा है, मुझे इसे हिलाने की जरूरत है। ओह ओह, ऐसा लगता है कि कटलेट छत पर चिपक गए हैं। अरे चलो वहां से नीचे उतरो, नीचे चलो कटलेट। हाँ ठीक निशाने पर, ऐसा लगता है कि कटलेट तैयार है। कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है, बिल्कुल जो हमें चाहिए था। मैंने कटलेट को बन पर रखा, चीज, टमाटर, खीरे, केचप, मस्टर्ड और विशेष गर्म मिर्च सबसे ऊपर। ओह यह जार खुल नहीं रहा है। हाँ यह क्या है? अरे मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें मदद की जरूरत है, जार दो। देखो एक बार में हो गया, मुझे खुशी हुई। ओह धन्यवाद। तो मैं आपको एक मिर्च दूंगा। हाँ और क्या, आपको पक्का यकीन है? ठीक है चलो और डालते हैं। यह अब काफी होगा। और यहाँ आपका सॉस है। मैं देख रहा हूँ कि आप सच्ची में तीखा खाने के बहुत बड़े फैन हैं। ऊपर से दूसरा टुकड़ा बनकर और बर्गर आखिरकार तैयार है। मुझे सॉस चखना चाहिए। अरे नहीं, यह बहुत तीखा है, मेरा चेहरा जल रहा है। तुम बहुत वक्त लगा रहे हो। क्या हुआ, मेरा बर्गर है? यह सुंदर है, इसे आजमाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। मेरे पास आओ। ओह वो तीखा है, मैं सचमुच आग उगल रहा हूँ। ओह यह निश्चित रूप से मुझे पसंद है, अच्छा काम। और बेशक पैसा, यहाँ यह लो, यह तुम्हारे लिए है। मेरा पहला पेमेंट। यह बर्गर हर सिक्के के लायक है। ओह बहुत दिनों से मैंने इतना तीखा नहीं खाया। अरे नहीं, उसने मेरा पैसा जला दिया। ठीक है अब मैं कुछ नहीं कर सकता, यह सब व्यर्थ है। ओह और वो पहले ही जा चुका है, यह अच्छा नहीं हुआ। उफ। क्या यह असली मैकडॉनल्ड है? हेलो, अरे मिस्टर मैं यहाँ हूँ, क्या आप मुझे देख सकते हैं? इधर। मुझे फ्रेंच फ्राइज चाहिए। यह हो जाएगा छोटी बच्ची। तो ठीक है,
फ्राइज के लिए मुझे आलू चाहिए और मुझे उसके साथ क्या करना चाहिए? हाँ, इसे साफ करना होगा। ओह, यह उतना आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था। अरे नहीं, चाकू फंस गया। उफ, ओ, 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 ये क्या हुआ? ओ, वो सीधे लड़की के पास उड़कर गया। अरे नहीं, वह रो रही है। ठीक है, मैं एक विशेष क्लीनर का इस्तेमाल करूँगा। वाह, यह निंजा मास्क है। हाँ, यह सच्चे में सुविधाजनक है। और अब मुझे आलू काटने की जरूरत है। अच्छी बात है कि मेरे पास एक विशेष टूल है। मैंने आलू को अंदर डाला, क्रश किया और यहाँ मेरे लिए एकदम सही स्लाइस है। यह वही चीज है जो मुझे चाहिए। खैर, अब उन्हें तेल में डालने का समय आ गया है। अरे वाह, ओह, ये क्या हो रहा है? हर जगह तेल के छींटे। इसे ढक्कन के नीचे रहने दो। उफ, और इसे कैसे तला जा सकता है? टोस्टर। तो मैं इसमें सारे आलू डाल दूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं मैकडॉनल्ड की एक विशेष पैकेज तैयार करूंगा। हाँ, बस यह तैयार हो गया। वाह, अच्छा लग रहा है। और मेरे आलू कैसे हैं? अरे वह उड़कर आ गए, मैं पकड़ रहा हूँ। वाह, एक भी मिस नहीं हुआ। येलो बच्ची, तुम्हारे फ्राइज। यह ठीक लग रहा है। महक भी अच्छी है, लेकिन इसका स्वाद, अरे हाँ, ये स्वादिष्ट है। ओह, ऐसा लगता है मेरे पास पैसे नहीं है। यह लो, कुछ भी है जो मेरे पास वो ले लो। और ठीक है, मेरे ऑक्टोपस को पकड़ो। मुझे आशा है कि हम बराबर हैं। धन्यवाद, बाय। मुझे यकीन नहीं कि एक अच्छा पेमेंट है। फिर से कोई टिप नहीं। जार पूरी तरह खाली है। ओह, क्या दिन है। तो यहाँ धूल है जिसे मैं मिस नहीं कर सकती। आ, यह क्या है? ओह, क्या यह तुम्हारा मैकडॉनल्ड्स है? बढ़िया, मैं एक ग्लास कोला को इनकार नहीं करूँगी। अभी बनाता हूँ। तो मैं नींबू लूंगा और उनका रस निचोड़ लूंगा। हाँ, इस ब्लेंडर के ठीक ऊपर से। उसका रस मेरी आँख में गिर गया। कितना दर्द हो रहा है, मेरी मदद करो, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। अरे चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। आपका कोला पहले से ही आपके लिए तैयार हो रहा है। हाँ, सब ठीक है। तो नींबू, ऐसा दोबारा नहीं होगा। मैं तुम्हें तुरंत ब्लेंडर में फेंक दूंगा, बस इतना ही। और अब मुझे इसे स्प्राइट से भरने की जरूरत है। हाँ, यह वही है जो मुझे चाहिए। मैं इसे ढक्कन के साथ कवर करता हूँ और पूरी पावर पर चालू करता हूँ। यह लो नींबू। तो आप तुम्हारे रस को एक ग्लास में छानने की जरूरत है। बहुत अच्छा, लेकिन काफी बर्फ नहीं है। ऐसा लगता है कि यह फ्रीजर में है। हाँ, और यह यहाँ है। इसे कैसे निकालूं? उफ, चलो बेवकूफ मोड। उफ, बस बहुत हुआ। यह लो। बस ठीक है, मैं अभी टेबल पर जो कुछ है उसे उठाता हूँ। और निश्चित रूप से एक सुंदर स्ट्रॉ, इसके बिना कैसे हो सकता है। आउच, आउच। मैं जिंदा हूँ। ओह, काश मैंने ग्लास पकड़ लिया होता। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। ओ नहीं, मैं इसके लिए पे नहीं करने जा रही हूँ, बाय। फिर से कुछ भी योजना के अनुसार नहीं हुआ। मैं बहुत बदनसीब हूँ। वाह, इस टेबल पर सभी बढ़िया चीजों को देखो। रोज के पास अपने फेवरेट 3D पेन के लिए सब कुछ है। और हाँ, पेन भी यही है। बिल्कुल, और पेज के सामने वह सब कुछ है जो उसे सबसे सुंदर और असामान्य पैनकेक्स बनाने के लिए चाहिए। बहुत बढ़िया। तो लड़कियों, आज तुम्हें पिकाचू बनाना है। मुझे पता है कि तुम्हें यह पोकेमोन बहुत पसंद है। ओह, मैं लगभग भूल ही गई, समय शुरू हो गया है। चलो काम पर लग जाओ। ठीक है माँ, ये काफी आसान होना चाहिए। शुरू करने के लिए मुझे पीले रंग की जरूरत है। हम एक बॉल लेते हैं और ध्यान से उस पर पीले रंग से पेंट करते हैं। इस तरह से हमारा पिकाचू बड़ा और असली दिखना चाहिए। माँ खुश हो जाएगी। जबकि रोज अपने 3D पेन से खेल रही है, मैं अपनी ड्राइंग बहुत जल्द समाप्त कर लूंगी।
देखो यह आउटलाइन कितना बढ़िया बना है। गालों के बारे में भी नहीं भूलना है। इस तरह से सब कुछ पीले रंग में रंग देती हूँ। मैं लगभग पूरा कर चुकी हूँ। और रोज का क्या चल रहा है? आह, क्या सच में? ऐसे तो उसे 3 दिन लग जाएंगे। आ, क्या? नहीं, मेरी तैयार ड्राइंग। अब क्या करूँ? मुझे किसी तरह, आउच, मेरे हाथ। कितना गर्म। तो अब मैं, लेकिन कहाँ? हाँ, ऐसा लगता है कि पेस को अपनी ड्राइंग पर अधिक ध्यान देना चाहिए था। ओह, ऐसे हाथों से पैनकेक बनाना एक दोहरी चुनौती है। और इस बीच रोज लगभग अपना काम पूरा कर चुकी है। वाह, जरा इस हैंडसम पिकाचू को देखो। बस कुछ सेकंड बचे हैं। ओह, कितना अच्छा है। आ, रुक जाओ। तो अब अपनी मास्टरपीस को दिखाओ लड़कियों। आ, ये मेरा है। पेस, तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? और तुम्हारा पोकेमोन कहाँ है? यह बिल्कुल वैसा नहीं जो हमें चाहिए। ओ रोज, तुम्हारे पास कितना सुंदर पिकाचू है। और तुम जीत गई। और यहाँ तुम्हारा इनाम है। वाह, वो बड़ा और प्यारा है। धन्यवाद माँ। हे पेस, क्या तुम पिकाचू के साथ खेलना चाहती हो? पिक पिका, ये वास्तव में खेलना चाहता है। चलो, बस इतना ही। ओ, धन्यवाद। और यहाँ पिज्जा है जिसका काफी देर से इंतजार था। क्या खुशबू है, मुझे बहुत भूख लगी है। नहीं माँ, नहीं। ओह, मैं अपनी चुनौती के बारे में पूरी तरह से भूल गई। लड़कियों, तुम्हें ऐसा पिज्जा बनाने की जरूरत है। वैसे समय निकल रहा है, शुरू हो जाओ। हाँ, इस तरह के पुरस्कार के लिए कड़ी मेहनत करना एकदम सही है। वाह, लगता है रोज गंभीर है। लेकिन पेज भी पीछे नहीं है। कौन जीतेगा ये टेस्ट? आइए आप पता करें। रोज पिज्जा स्लाइस का आउटलाइन बनाना शुरू कर देती है। और इस बीच पेज पहले से ही पूरी ताकत से अपना पैनकेक बना रही है। ऐसा लगता है कि यह पैनकेक पिज्जा के बेस के रूप में काम करेगा। यह स्वादिष्ट लग रहा है। यह वास्तव में पिज्जा जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है। बेहतर होगा पेज, जल्दी करो। रोज इस बीच पीला के साथ काम करती है। बेशक, चीज के बिना पिज्जा कैसा? वाह, जरा उन जूसी पेपरोनी को देखो। और वो ऑलिव्स। वाह, रोज का पिज्जा बिल्कुल असली जैसा दिख रहा है। ओह, ऐसा लगता है कि पेज अपने प्रतिद्वंदी के चित्र को घूर रही है और अपने बारे में पूरी तरह से भूल गई है। और समय समाप्त हो रहा है, तुम्हें जल्दी करना होगा। पेज पिज्जा चीज को पूरी स्पीड में बना रही है। इस तरह अब पेपरोनी और फिर बेसक ऑलिव्स भी। यह सब हमारी डो पर डाला जा रहा है। हाँ, जल्दी से करना होगा। हाँ, जल्दी जल्दी कर लो। ओह, ये कुछ हटकर लग रहा है। तुम क्या कर रही हो पेज? तो लड़कियों, समय समाप्त हो गया है। पेज, तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया है? एलर्जी फिर से? क्या यह तुम्हारे पिज्जा का हिस्सा है? मुझे खेद है डियर, लेकिन यह बस ऐसे ही कुछ। रोज, तुम्हारा कैसा चल रहा है? वाह, पिज्जा का कितना खूबसूरत टुकड़ा है। तुम होशियार हो तो विनर अपना पुरस्कार रखो। वाह, यह मेरा फेवरेट पिज्जा है। इसे कहते हैं किस्मत। ओह, क्या मुंह में पानी लाने वाला बाइट है। सॉरी पेस, लेकिन यह पिज्जा केवल विजेताओं के लिए है। मैं भी विनर हूँ। ठीक है रोज, क्योंकि तुम्हें अपने 3D पेन से बहुत प्यार है, तब तुम्हें यह पिज्जा जरूर पसंद आएगा। अपने खाने का मजा लो। ओह, यह कितना स्वादिष्ट है। हाँ, यह एक टुकड़ा तो काफी नहीं होगा। अरे क्या सच में पेस? खैर, ऐसा लगता है कि कोई नहीं जानता कि हार क्या है। हम देखेंगे कि यह शरारत की रानी कौन है। हाँ तो लड़कियों, अगली चुनौती के लिए तैयार हो। इस बार विजेता को इस स्वादिष्ट आइसक्रीम के रूप में पुरस्कार मिलेगा। लेकिन बेशक पहले तुम्हें इसे बनाना होगा और इसे सुंदर बनाओ। मुझे तुम पर विश्वास है, चलो शुरू हो जाओ। वाह, कितना अच्छा है।
चलो चलो जल्दी शुरू करो। कितना स्वादिष्ट पुरस्कार है, मुझे लगता है कि लड़कियां पूरे जोश में हैं। फेज वॉफल कोन बनाना शुरू करती है। समान दिख रहा है ना? बढ़िया, लेकिन ऐसा लगता है कि रोज बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है। रोज एक कोन के आकार में मुड़ा हुआ कागज लेती है और अब वह उसकी आउटलाइन तैयार करती है। ओह, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत अच्छा निकलेगा। रोज एक असली 3D पेन जीनियस है। वाह, जरा इस खूबसूरत कोन को देखो, बहुत बढ़िया है ना? मैं भी प्रतिभाशाली हूँ। अब मैं उसे दिखाऊंगी कि एक असली प्रोफेशनल कैसे काम करता है। देखो मैं कितना अच्छा कर रही हूँ। अब इसे पलटना भी है। मैं तो यह भी भूल गई कि एक पैनकेक है, असली आइसक्रीम नहीं। इस तरह मेरी मास्टरपीस तैयार है। और तुम अपने 3D पेन के साथ बेधड़क खेलना जारी रखो। मेरा कोन तुमसे 100 गुना बेहतर है, इसलिए इसमें थोड़ा अधिक समय लगता है। तो अब एक स्कूप आइसक्रीम लेते हैं। वाह, इस तरह से सुपर। मुझे नहीं लगता कि मेरी माँ इसे असली से अलग बता पाएगी। और तुम्हारा कैसा चल रहा है पेस? क्या तुम इस आइसक्रीम का स्वाद लेना चाहती हो? उफ, अरे नहीं, आइसक्रीम का मेरा स्कूप। मेरा कोन। अरे नहीं, क्या सच में? ओह, कितनी बुरी किस्मत है मेरी, सब कुछ एकदम सही था। लड़कियों, समय समाप्त हो गया है। तो रोज, इस बार तुम अपनी माँ को कैसे सरप्राइज करने वाली हो? क्या यह किसी प्रकार का विदेशी मशरूम है? यह बिल्कुल आइसक्रीम जैसा नहीं लग रहा। नहीं, अब तुम्हारी बारी है प्लीज। ओह वाओ, अच्छा काम। हाँ, यह निश्चित रूप से हमारा विजेता है। अपना इनाम लो, बधाई हो। अरे वाह, मैं जीत गई, हुर्रे! और इस स्वादिष्ट आइसक्रीम पर अब मेरा अधिकार है। हाँ, यह रहा जीत का स्वाद। वाह, क्या शानदार गेम है। मुझे पक्का इस लेवल को पार करना होगा। तो यहाँ पर अब ऐसे जंप। अरे मम्मा, और यहाँ। हाँ, अरे लड़कियों, कैसी हो? यह रहा तुम्हारा नया पुरस्कार। हाँ, मैं इसे यहीं रख देती हूँ। और अब समय शुरू हो गया है, चलो काम पर लग जाओ। नया फोन, और वो भी इतने खूबसूरत पॉपिट कवर के साथ। हाँ, मुझे लग रहा है कि हम एक असली लड़ाई के लिए है। रोज ने काम पर जाने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। हम निश्चित रूप से आउटलाइन के साथ शुरू करते हैं। अच्छा लग रहा है, पेज कैसे जवाब देगी? वाह, ऐसा लगता है कि पेज ने डिटेल के साथ शुरुआत करने का फैसला किया है। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, लेकिन अच्छा लग रहा है। वाह, पेज ने अपना चित्र इतनी तेजी से बनाया। रोज इस बीच अपना समय ले रही है। इतनी जल्दी की क्या जरूरत है? जरूरी बात यह है कि इसे सुंदर और हाई क्वालिटी का बनाना है। यह अपने फोन के लिए कैमरा बनाती है। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है। अब एक मल्टी कलर्ड कवर। वाह, हाँ हाँ, मेरा पैनकेक फोन लगभग तैयार है। कितना खूबसूरत है। और वो क्या कर रही है? हाँ, क्या उसने इतना सुंदर फोन कैसे बनाया? मुझे लगता है कि मेरे पास एक उपाय है। चलो देखें कि बिजली के बिना अपने चमत्कारी 3D पेन से कैसे चित्र बनाती है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये काम क्यों नहीं कर रहा है। अजीब है, अभी सब कुछ ठीक था, अब क्या हो रहा है? उफ, अब क्या करे? बिल्कुल, स्केटल्स मेरे लिए एकदम सही है। मुझे लगता है कि ये और भी बेहतर हो गया। तो तुम क्या सोचती हो पेस, है ना ये सुंदर? हाँ, बहुत बढ़िया। ओह, समय पूरा हो गया है, अपनी मास्टरपीस को दिखाओ लड़कियों। पेस, यह बस अच्छा, या कैसे इसे क्या कहे? खैर, यह वो नहीं है जो हमें चाहिए। अब रोज। वाह, क्या खूबसूरती है।
वाह, तुम फिर से जीत गई। ले लो, अपना इनाम ले लो। शाबाश। ये, धन्यवाद माँ। हाँ, यह केस मेरे नए पर्स के साथ बिल्कुल फिट होगा। तो यहाँ किसे बचाने की जरूरत है? हाँ, मैं विलेन को देख रही हूँ। प्यू। रिलैक्स, यह मैं हूँ। तो चश्मा, बढ़िया। लड़कियों, इधर ध्यान दो। हाँ, तुम्हें यह मास्क बनाना होगा। और समय शुरू हो गया है, काम पर लग जाओ। माँ को क्या हो गया है? उसने मुझे लगभग इस चीज से मार ही डाला था। ठीक है, अब शुरू करने का समय है। चलिए काले रंग से शुरू करते हैं। यहाँ ध्यान से मास्क पर पैटर्न बनाना होगा। और अब आंखों पर सफेद रंग से पेंट करती हूँ। और अंत में लाल। हाँ, यह काम आसान नहीं है। बहुत सारी छोटी छोटी बारीकियाँ हैं, लेकिन मेरे जैसे मास्टर के लिए सब कुछ एकदम आसान है। क्या सच में? बढ़िया मास्क, रोज इसे जारी रखो। ओह, वो किस चीज के बारे में सही है? आइडिया, ग्लोब। हाँ, यह बिल्कुल सही रहेगा। नहीं, क्यों? नहीं, क्या तुमने देखा वो क्या कर रही है? अजीब सी गंध है। अरे नहीं, स्पाइडर जल रहा है। मुझे इसे किसी तरह तुरंत बचाना होगा। हाँ, यह वाटरिंग कैन मदद करेगा। उफ, थोड़ा और हमें पूरी आग बुझानी होगी। अरे नहीं, रोज क्या कर रही है? ऐसा लगता है कि वो दुनिया का नक्शा फिर से बना रही है। अब सब कुछ समझ आ गया। वाह, क्या मस्त मास्क है। ओ लड़कियों, ओ समय समाप्त हो गया है। अच्छा, क्या तुम तैयार हो? पेज, मुझे अपना काम दिखाओ। नहीं, ऐसा मास्क बिल्कुल अच्छा नहीं है। रोज, वाह, तुम्हारा मास्क ओरिजिनल से भी अच्छा है। शाबाश, बढ़िया काम, तुम एक विनर हो। और यहाँ तुम्हारा पुरस्कार है। मुझे लगता है मुझे सूट करता है। प्यू, प्यू। ओ, ओ, सॉरी मॉम। क्या आपको वीडियो पसंद आया? इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स लिखें। बाय बाय दोस्तों, और जल्द ही मिलते हैं।